बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो गाइस प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। दैट इज़ अवर लेसन नंबर वन, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वो बेस ही समझें हमारे लेक्चर्स की। अगर आप उस लेसन नंबर वन को सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको समझ आ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वी विल डिस्कस रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अवर लेक्चर नंबर टू। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द रूट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू सम स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। कुछ स्किल्स होती हैं ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। व्हाट आर दे? स्किल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है जी, कुछ स्किल्स होती हैं। अब वो क्या होती हैं? दे आर बेसिकली फाइव इन नंबर। नंबर वन, स्पीकिंग। नंबर टू, रीडिंग। नंबर थ्री, लिसनिंग। नंबर फोर, राइटिंग। एंड नंबर फाइव, व्हिच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रामर। अच्छा जी, ये पांच स्किल्स हैं जिसको आप जिसमें महारत हासिल कर लेंगे, आप स्किलफुल हो जाएंगे स्पीकिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। टोटली इन सब चीज़ों में आप पीक पे होंगे इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द कोर्स। देखें, लिटरेचर और लैंग्वेज बड़े वेस्ट कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप अचीव कर लेते हैं, इन गोल्स को, तो फिर आप बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी, राइटिंग में भी, और आपकी ग्रामर भी बहुत परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें, ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, विच इज़ रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर चीज़ की कोई रूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्री ले लें, रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या रूट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। देयर आर बेसिकली फाइव रूट्स। नंबर वन, लेटर्स। इंग्लिश के लेटर्स सबको पता होगा कि 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है जी, अब 26 में फर्दर डिवीजन होती है जिसमें 21 कंसोनेंट्स होते हैं और 5 वॉल्स होते हैं। ठीक है जी, वॉल्स में आपको पता है ए ई आई ओ यू आता है। चले, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स होंगे वो सुनते सुनते ये कह रहे होंगे कि ये तो बहुत बेस है, बहुत स्टार्टिंग है। लेकिन बच्चे, हम यहाँ पे बेस से ही सीखने आए हैं। अगर हमें बेस अच्छी पता होगी, बेस को अच्छा क्लियर होगा, तो हम बाकी चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। हमारी स्पीकिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को, लिसनिंग को, हमारी लिसनिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी। हमें पता होगा कि वॉल्स क्या होते हैं, कॉन्सनेंट्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या हैं, हम उनसे वर्ड्स बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये बहुत ईजी हो जाता है अगर हमारी रूट्स क्लियर हों। अच्छा, मैंने आपको रूट्स के बारे में बता रही थी कि जैसे ट्री के रूट्स होते हैं। ठीक है, ट्री रूट्स की वजह से खड़ा होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर जो है वो रूट्स होते हैं। अगर हम उसके रूट्स स्ट्रांग होंगे, इसी तरह अगर हमारे रूट्स स्ट्रांग होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कमाल की होगी। चलें जी, नंबर टू। अच्छा, लेटर्स की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? वर्ड्स। जैसे कि टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स, फोर लेटर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कैट, फिश, सी। ठीक है, ये थ्री लेटर्स और फोर लेटर वर्ड्स थे। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसकी नेक्स्ट रूट जो आती है, वो आती है, सबसे बेसिक है लेटर्स, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद विल मूव टू सेंटेंसेस। After creation of words, we will be able to make sentences. Two word sentences भी हो सकते हैं, three word sentences भी हो सकते हैं, it depends. ठीक है, for example, मैं अब आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, जैसे कि look at me, ये three word का एक sentence है। ठीक है जी, look at me, ठीक है जी। अब विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस हम पैराग्राफ्स बनाएंगे, जो इसका फोर्थ पार्ट बनेगा, पैराग्राफ्स। ठीक है,
ठीक है, पैराग्राफ्स में टू सेंटेंसेस हो सकते हैं, थ्री सेंटेंसेस हो सकते हैं, फोर सेंटेंसेस हो सकते हैं, फाइव सेंटेंसेस हो सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है, कि आप किस किस चीज़ के लिए राइटिंग करना चाह रहे हैं. नंबर फिफ्थ इसका पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ्स हम लॉन्ग स्पीचेस लिख सकते हैं, एसेज लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी ताकि आपके सेंटेंसेस थोड़ा और क्लियर हो जाए कि सेंटेंसेस कैसे हैं, उसको हम पैराग्राफ बना के देख लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस. क्या क्या हमारी एग्जांपल्स हो सकती हैं सेंटेंसेस की? फॉर एग्जांपल, लुक एट मी, व्हाट डू यू सी, अच्छा आगे सेंटेंसेस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे. लुक एट मी, व्हाट डू यू सी, होल्ड इट, आई एम coming back soon. Now it is a short paragraph. ठीक है, ये short paragraph है जिसको हमने, कितने sentences हैं हमारे पास, one, look at me sentence number one, what do you see sentence number two, hold it sentence number three, I am coming back soon sentence number four. ये मैंने just example दी है. जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ते जाते हैं और हमारे पास पैराग्राफ बन जाता है, और जब हम पैराग्राफ्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, वो एसे बन जाते हैं, स्टोरीज बन जाती हैं, डायलॉग्स हो जाते हैं, कन्वर्सेशन हो जाती है, ठीक है, एनीथिंग. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. होपफुली आपको हमारा टॉपिक समझ आ गया होगा, हमारे बेसिक जो फाइव रूट्स हैं जिनको हमने माइंड में रखते हुए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को कंप्लीट करना है. अच्छा बच्चे, हम टेंसेस पे भी जाएंगे, हम टेंसेस को भी लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस की टाइप्स को कवर करूंगी, ताकि जब हम सेंटेंसेस के बारे में कुछ भी, कोई भी सेंटेंस लिखें तो आपको ये पता हो कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इन्वॉल्व्ड हैं और हम क्या करें, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन सी हैं. अगर आपको यही नहीं क्लियर होगा तो हमें टेंसेस पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, अब आपकी एक एक्टिविटी है, वो क्या है, दिस विल बी योर एक्टिविटी नंबर वन, वो क्या है, कमेंट वन वर्ड एंड वन सेंटेंस डाउन द वीडियो. इसका मतलब ये है कि आपने एक कमेंट करना है, उसमें आपने एक वर्ड और एक सेंटेंस, यानी लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है और फिर डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है इस वीडियो के नीचे. ओके गाइज, अल्लाह हाफिज, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, जजाकअल्लाह.